Hello everyone. I welcome you in this online teaching learning process. Today is our topic is reciprocating pump, which is belongs to the topic unit hydraulic pump of the subject fluid mechanics and machineries. So in previous lecture we have solved numericals related to centrifugal pump. So today's lecture outcome is, in today's lecture, we identified various components of reciprocating pump. We understand what is the construction and how single acting and double acting reciprocating pump works. So, reciprocating pump. So, if the mechanical energy is converted into hydraulic energy by sucking the liquid into a cylinder in which a piston is reciprocating, which exerts the thrust on the liquid and increase its hydraulic energy, this pump is known as reciprocating pump. So reciprocating pump ka basically matlab hota hai dosto ye positive displacement, iska dusra naam hota hai positive displacement pump. Aur ye cheez dhyan mein rakhna kyun, kyunki agar koi government ka exam hota hai aptitude type to usme pucha jata hai which pump is known as positive displacement pump. तो उसका आंसर है रेसिप्रोकेटिंग पंप इज नोन एज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। अब इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे रीजन है कि हमारे पास में दो टाइप की पंप है, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और दूसरा रोटोडायनामिक पंप। तो जो रोटरी मोशन से पंपिंग एक्शन क्रिएट करते हैं उसको कहा जाता है रोटोडायनामिक पंप, जैसा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप हम लोगों ने पढ़ा था। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप उन पंप्स को कहा जाता है जिसमें एक स्ट्रोक में जिसमें टू एंड फ्रो मोशन से पंपिंग किया जाता है, या एक स्ट्रोक में पंपिंग होता है दूसरी स्ट्रोक में पंपिंग नहीं होता है। मतलब इसमें एक सक्शन स्ट्रोक होता है दूसरा डिलीवरी स्ट्रोक, तो डिलीवरी स्ट्रोक में डिस्चार्ज होता है और सक्शन स्ट्रोक में डिस्चार्ज नहीं होता, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। कंपोनेंट्स देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप के। हाँ, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप के जो कंपोनेंट्स है, अ सिलेंडर विथ अ पिस्टन और प्लंजर। एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर पिस्टन प्लंजर मूव करता है, जो आप लोगों ने इसके पहले थर्मल में पढ़ा होगा रेसिप्रोकेटिंग पंप। सेम पंप यहाँ पे हमको यूज करना है, सिर्फ थर्मल में जो रेसिप्रोकेटिंग पंप आप लोगों ने पढ़ा था उसमें वर्किंग मीडियम अदर देन मतलब एयर वगैरह था। यहाँ पे जो पंप पढ़ना हमको उसका वर्किंग मीडियम वाटर होता है, बाकी पूरा वर्किंग सेम होता है। तो एक सिलेंडर होता है और सिलेंडर के बीच में पिस्टन टू एंड फ्रो मोशन मतलब आगे पीछे मूव करता है, और इसके वजह से सक्शन और डिलीवरी क्रिएट होते हैं। क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड, सामने मोटर को क्रैंक कनेक्ट रहता है उसके साथ में कनेक्टिंग रॉड, और ये कनेक्टिंग रॉड पिस्टन को कनेक्ट रहता है और इसके थ्रू हम लोग पंपिंग क्रिएट करते हैं। एक सक्शन पाइप होता है, डिलीवरी पाइप। So, एक एंड पंप के एक एंड में सक्शन पाइप रहता है, दूसरे एंड में डिलीवरी पाइप रहता है, और सक्शन एंड डिलीवरी वॉल्व। तो जो सक्शन पाइप के साइड में रहेगा वो सक्शन वॉल्व रहेगा, डिलीवरी पाइप के साइड में रहेगा वो डिलीवरी वॉल्व रहेगा। तो वर्किंग देखिए, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये डायग्राम में देखिए, ये एक पिस्टन है, ये जो हैचेस लाइन से दिया हुआ पिस्टन है, इसके बाद में ये पिस्टन रॉड, इसके बाद में ये वाला जो रॉड है ये कनेक्टिंग रॉड, और ये क्रैंक, और ये यहाँ पे रहता है मोटर का शाफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, मोटर का रोटरी मोशन हम यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करते हैं। ये वाला जो पाइप है इसको कहा जाता है डिलीवरी पाइप, ये वाला जो पाइप है इसको कहा जाता है सक्शन पाइप, नीचे जो पार्ट है इसको कहा जाता है सम्प, यहाँ पे जो वॉल लगा है ये सक्शन वॉल, और यहाँ पे जो वॉल लगा है वो डिलीवरी वॉल, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है वो समझ लीजिए, वो सिंपल कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले ये जो पिस्टन रहता है, ये समझो हम इसको नाम देते टॉप डेड सेंटर, इसको नाम देते बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। तो ये या फिर हम लोग इसको दूसरा नाम, अब जो आपको जो नाम लगता है एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट ऐसा भी आप नाम दे सकते हैं, बट बेसिकली इसको टॉप डेड और बॉटम डेड कहा जाता है। तो हम लोग नाम देते इसका, यहाँ पे देखिए इनर डेड सेंटर और आउटर डेड, ओडीसी और आईडीसी लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, इनर डेड सेंटर और ओडीसी मतलब आउटर डेड सेंटर। तो यही नाम लेके हम लोग चलेंगे कि ये जो पार्ट है ये हो गया इनर डेड सेंटर, और ये जो पार्ट है ये हो गया आउटर डेड सेंटर। सो इस पंप में क्या होता है, मोटर का रोटरी मोशन हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करते हैं। मोटर का रोटरी मोशन मतलब मोटर गोल गोल घूमता है, उसका मोशन जो कहा जाता है उसको कहा जाता है रोटरी मोशन,
और रेसिप्रोकेटिंग मोशन मतलब ये जो पिस्टन है ये आगे पीछे ऐसा ट्रेवल करेगा टू एंड फ्रो, इस मोशन को कहा जाएगा रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? आगे बढ़ते हैं, तो देखिए सबसे इनिशियल कंडीशन में कहां पे रहेगा, इस पोजीशन पे पिस्टन रहेगा, कहां पे? इनर डेड सेंटर पे। उस समय जो क्रैंक रहेगा ये 0 डिग्री पे रहेगा। अब देखिए ये जो क्रैंक का रोटेशन है ये 360 डिग्री हो रहा है, सो हम इसको अगर डिवाइड करते तो ये हो गया 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री और फिर से 0 डिग्री। मतलब क्रैंक का एक टोटल रिवॉल्यूशन जब होता है तब पिस्टन अपनी पोजीशन से जाके, मतलब इनर डेड सेंटर से जाके आउटर डेड सेंटर पे जाता है और फिर वापस से इनर डेड सेंटर पे आता है, तब जाके क्रैंक का एक टोटल रिवॉल्यूशन होता है। मतलब इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर, इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर तक चलने तक ये 0 से लेके 180 डिग्री तक ट्रैवल करता है, और आउटर डेड सेंटर से फिर से इनर डेड सेंटर आने तक 180 डिग्री से 360 डिग्री ट्रैवल करता है। समझ में आया दोस्तों? तो ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये इनर डेड सेंटर पे मतलब 0 डिग्री पे क्रैंक है और पिस्टन, तो पिस्टन यहाँ पे है। ठीक है, जब जैसे मोटर रोटेट करेगा अपना शाफ्ट वैसे वैसे ये क्रैंक ऊपर 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 जाएगा और पिस्टन पीछे पीछे जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे स्पेस जो है वो एम्प्टी रहती है, और जब पिस्टन पीछे जाता है तो मास उतना ही रहता है और वॉल्यूम बढ़ते हुए जाता है, और मास उतना ही रहना और वॉल्यूम बढ़ते हुए जाने की वजह से क्या होता है, एक सक्शन क्रिएट होता है। सक्शन मतलब ये निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। अब ये निगेटिव प्रेशर क्या करता है, ये जो सक्शन वॉल है इसको खींचता है, इसको खींचने की वजह से क्या होगा कि ये जो सक्शन वॉल है ये ओपन होगा और यहाँ का जो निगेटिव प्रेशर है वो पाइप के थ्रू नीचे जाएगा, और कहाँ पे जाएगा, सम्प के अंदर जाएगा। अब देखिए सम्प में लिक्विड स्टोर है, अब सम्प का ये जो पार्ट है यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर है, और पाइप के थ्रू यहाँ पे कौन सा प्रेशर आ रहा है, निगेटिव प्रेशर आ रहा है। सो अभी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर है हाई प्रेशर हो जाएगा, जो पाइप के अंदर का प्रेशर लो प्रेशर हो जाएगा, तो ये हाई प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर की तरफ खींचा जाएगा। मतलब ये सक्शन क्या करेगा, पानी ये जो लिक्विड रहेगा उसको खींचेगा अंदर। अब वो खींच के क्या करेगा, इस एम्प्टी स्पेस में भरेगा, कब तक भरेगा, जब तक पिस्टन इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर तक नहीं जाता तब तक। मतलब ये पूरा जो पैसेज है ये लिक्विड से भर जाएगा, तब क्या होगा, क्रैंक 0 डिग्री से चल के ट्रैवल करके 180 डिग्री जाएगा। अब क्या होगा कि ये 180 डिग्री से जब आगे ट्रैवल करेगा तो पिस्टन अभी आगे बढ़ेगा। पिस्टन आगे बढ़ने की वजह से क्या होगा कि देखिए यहाँ पे भी मास है, और मास होने के साथ में वॉल्यूम भी है, ये वॉल्यूम जितना है उतना ही मास भरा हुआ है। अब पिस्टन आगे बढ़ रहा है जिस वजह से क्या हो रहा है, जो मास है वो कॉम्प्रेस्ड हो रहा है, अब वॉल्यूम उतना ही है और मास कॉम्प्रेस होते जा रहा है, जिस वजह से अभी प्रेशर जो था निगेटिव प्रेशर की वजह से जो यहाँ पे पूरा लिक्विड भरा हुआ था, अभी क्या होगा, इसका प्रेशर निगेटिव से बढ़ के अभी पॉजिटिव में जाएगा, मतलब कॉम्प्रेशन प्रेशर में जाएगा, प्रेशर 0 डिग्री अपना एटमोस्फेरिक से बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ा हुआ प्रेशर क्या करेगा, ये सक्शन वाल्व को दबा देगा और डिलीवरी वॉल को धक्का मारेगा। अब डिलीवरी वॉल को धक्का मारने की वजह से डिलीवरी वॉल की ओपनिंग ओपन हो जाएगी और ये जो लिक्विड है ये पाइप के थ्रू यहाँ से, तो जो यहाँ पे अभी कॉम्प्रेस हुआ लिक्विड वो यहाँ से निकल के बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सक्शन और डिलीवरी की जो वर्क है वो एक ही साइड में होता है, इसलिए इसका नाम होता है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। इस पंप में और एक चीज मिलती है हमें, यहाँ पे प्रेशर एंड डिस्चार्ज कम मिलेगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड कम निकलता है लेकिन प्रेशर ज्यादा रहता है। इसी के कंपैरिजन में जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करते हैं उसमें प्रेशर कम मिलता है, डिस्चार्ज ज्यादा मिलता है, यहाँ पे डिस्चार्ज कम मिलेगा लेकिन प्रेशर ज्यादा मिलेगा। तो इसके एप्लीकेशंस वगैरह क्या होता है, जो हम लोग अपने बाइक या कार वॉशिंग करने के लिए जाते हैं वहां पे जो पंप यूज करते हैं वो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। फायर ब्रिगेड में देखिए बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी फेंका जाता है, तो वहां पे भी रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज किया जाता है। स्प्रे पेंटिंग में रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज किया जाता है। तो ये सब क्या है, इसकी एप्लीकेशन है। सो इसमें भी देखिए पंप के सेंटर से नीचे तक का जो प्रेशर होता है वो एचएस, दैट इज सक्शन प्रेशर, सक्शन हेड। पंप के सेंटर से जहां तक पानी हमने को भेजना है उसको कहा जाता है डिलीवरी हेड या डिलीवरी प्रेशर। ठीक है, इन दोनों को यूज करके जो प्रेशर, इन दोनों का एडिशन जो होता है वो स्टैटिक हेड, और जो पंप काम करता है वो करता है मैनोमेट्रिक हेड पे, जैसे सेंट्रिफ्यूगल पंप में था सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। तो ये इसका वर्किंग है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको समझाया सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दूसरा टॉपिक है हमारा डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो देखिए सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग में एक ही फर्क है, बाकी सब चीजें सेम है।
सिंगल एक्टिंग में पंप के एक ही साइड से सक्शन और डिलीवरी होती थी, यहाँ पे पंप के दोनों साइड में होता है, मतलब यहाँ पे दो सक्शन पाइप रहते हैं और दो डिलीवरी पाइप होते हैं। तो देखिए क्या होता है कि इसमें जब पिस्टन इनर डेड सेंटर पे रहेगा और वो इनर डेड सेंटर से आउटर डेड की तरफ जाते जाएगा, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, जो तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, तो उस समय क्या होगा, इधर का देखिए कॉम्प्रेशन वाला प्रोसेस होगा, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कम होते जाएगा और मास उतना ही रहेगा, तो जिस वजह से कॉम्प्रेशन होगा। तो जब इधर सक्शन होगा तब इधर डिलीवरी होगा, और जब इधर सक्शन होगा तब इस साइड में डिलीवरी होगा, मतलब जो प्रोसेस है ये वाइस वर्सा होती है, बाकी पूरा कंसेप्ट सेम है। सिर्फ डबल एक्टिंग और सिंगल एक्टिंग में इतने फर्क होता है कि सक्शन दो पाइप रहेंगे, डिलीवरी दो पाइप रहेंगे। एक और मेजर जो रहता है इसमें कि इसमें जो डिस्चार्ज मिलता है वो कंटिन्यूअस मिलता है। सिंगल एक्टिंग में क्या होता है कि एक स्ट्रोक में डिस्चार्ज मिलता है, सक्शन स्ट्रोक में हमें डिस्चार्ज नहीं मिलता, तो वहां पे जो डिस्चार्ज होता है वो पल्सेटिंग होता है, मतलब रुक रुक के डिस्चार्ज मिलता है। डबल एक्टिंग में डिस्चार्ज कंटिन्यूअस मिलता है, मतलब जिस समय यहाँ से सक्शन हो रहा है इधर से डिस्चार्ज होगा, जिस समय इधर से सक्शन हो रहा है इधर से डिस्चार्ज होगा, मतलब जो आउटपुट में डिस्चार्ज मिलने वाला है वो कंटिन्यूअस रहेगा। सो ये था डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो यहाँ पर आज हम अपना टॉपिक रोकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएसबीटी एग्जाम्स में जो आते हैं, इसको एज असाइनमेंट सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा स्लिप एयर वेसल इन रेसिप्रोकेटिंग। थैंक यू वेरी मच।